हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में आपको क्लास 10 साइंस में दर्पण के जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में आपको अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके चार भाग पढ़ा दिए गए थे। दो तीन भाग और बचे हुए हैं, इस लेक्चर में उनको हम पढ़ाएंगे। पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए, तभी ये आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिसके कारण जितने वीडियो अपलोड किए जाएं आपको आसानी से समय से मिल सकें। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पड़ रहे थे, उसके अगले पड़ाव पर हम देखते हैं जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो तब प्रतिबिंब की स्थिति कैसे होती है। चलो इसका पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। अब फिगर अगर आपको समझ में आ गया तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले अवतल दर्पण बनाते हैं, ये अवतल दर्पण है, जिसका दबा हुआ भाग क्या होता है, चमकीला हो। दबा हुआ भाग चमकीला है और उभरा हुआ भाग जो ऊंचा वाला भाग है वो पेंट है। जब ऊंचा वाला भाग पेंट हो और नीचा वाला भाग मतलब दबा हुआ भाग चमकीला हो तो उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। मान लेते हैं ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष। इस दर्पण को अगर आगे बढ़ाया जाए तो एक गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का निर्माण होगा। तो इस गोलीय दर्पण का केंद्र कहीं ना कहीं होगा, तो मान लेते हैं इसका केंद्र यहां पर दिया गया है सी, और दर्पण के मध्य बिंदु जहां से मुख्य अक्ष जाता है उस बिंदु को हम बोलते हैं ध्रुव, क्या बोलते हैं, ध्रुव पी। और केंद्र, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच जो मध्य बिंदु स्थित होता है उसको मुख्य फोकस एफ कहते हैं। वस्तु को इस बार क्या है, मुख्य फोकस पर रखेंगे, यहां पर दिया गया है वस्तु इस बार कहां पर रहेगी, मुख्य फोकस पर होगी। तो मुख्य फोकस पर अगर वस्तु को रखा जाएगा तो जब प्रकाश किरणें इससे टकराएंगी वो क्या है, उसी दिशा में वापस होगी, क्योंकि इसका चमकीला भाग ऐसे है तो प्रकाश किरणें दूसरी ओर पार नहीं कर पाएंगी, उसी माध्यम में क्या पुनः टकराने के बाद लौट आएंगी। तो ये आपकी वस्तु आपकी कहां है, यहां पर आ गई, ये वस्तु आपकी कहां पर आ गई, मुख्य फोकस पर वस्तु को रखा गया है। इससे पहले केंद्र और एफ के बीच में रखा था, धीरे धीरे हम दर्पण के पास वस्तु को लाते जा रहे हैं और उसकी प्रतिबिंब की स्थिति को क्या है समझते जा रहे हैं। और एक प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश किरण दर्पण को पार करके आगे नहीं जा पाएंगी, क्योंकि दूसरी तरफ क्या है, ये पेंट है, ये टकराने के बाद परावर्तित होने के बाद उसी माध्यम में लौट आएगी। ये प्रकाश किरण यहाँ टकराएगी और टकराने के बाद दर्पण देखिए ऐसे झुका है तो प्रकाश किरण कैसे आएगी, ऐसे उसी रास्ते से वापस क्या है लौट आएगी, और वो कहां से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ये प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। अब उसके बाद दूसरी प्रकाश किरण देखिए, ये देखिए दर्पण ऐसे झुका हुआ, बच्चों दर्पण अगर ऐसे झुका हुआ है तो आप लोग जानते हैं, आपको रूल बताया गया है कि कोई प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर है, जो प्रिंसिपल एक्सिस दिया गया है उसके समांतर कोई प्रकाश किरण, देखिए ये अक्ष है, ये प्रकाश किरण इसके समांतर जा रही है, देखिए ऐसे
समांतर है नहीं। अगर ये मुख्य अंश के समांतर है तो परावर्तित होने के बाद आपको बताया गया है कि मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो परावर्तित होने के बाद कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये दोनों प्रकाश किरणें क्या एक दूसरे से कभी मिलेंगी? एक दूसरे से कभी नहीं मिले। अगर इसे सीधे जाएं तो क्या एक दूसरे से कभी मिलेंगी? जब तक एक दूसरे से मिलेंगी नहीं तब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो ये प्रकाश किरणें कहां जाएंगी? कभी भी नहीं मिलेंगी, अनंत को जाएंगी। कहां को जा रही हैं? अनंत को जा रही हैं। इनका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है? अनंत पर है। तो प्रकाश किरणें अनंत को जाती है और इनका प्रतिबिंब जो बनता है अनंत पर बनता है। किस तरह बनता है? वास्तविक बनता है। जो प्रकाश किरणें जा रही हैं इन्हीं द्वारा प्रतिबिंब बनेगा ना, आभास तो करें नहीं। जो यहां से टकरा के जा रही हैं इन्हीं द्वारा प्रतिबिंब बनेगा। तो मान लेते हैं वास्तविक, जब प्रकाश किरणें टकराने के बाद आपस में मिलती है तो प्रतिबिंब बनता है। यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा लेकिन उसको कहां मानेंगे? अनंत पर। उल्टा क्या है? देखिए वस्तु ऊपर की ओर है, वस्तु हमारी क्या है? ऊपर की ओर। अब प्रतिबिंब जो मिलेगा बनेगा अनंत पर, वो क्या है? नीचे की ओर। तो उल्टा और उसके बाद क्या है? अनंत पर बनेगा, तो अनंत लिख दिया गया है। अब आपको अगली कंडीशन बताई जा रही है, इस फिगर को ड्रॉ कर लेना, इस वाले टॉपिक पर इसको क्या है ड्रॉ करना है। सेकेंड कंडीशन में देखिए दिया गया, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो। अब वस्तु को हम कहां ला रहे हैं? इसके पास और ला रहे, और पास लाकर लाएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे क्या इसके पास ला रहे हैं। ये आपका दर्पण बन गया, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये आपका मुख्य अक्ष, यहां पर देखिए अगर इसको डाट डाट कर खींचा जाए तो इसका केंद्र यहां पर आएगा और मुख्य फोकस यहां पर आएगा। और वस्तु को इस बार कहां रखा गया? मुख्य फोकस पर रखा गया है। अब वस्तु को धीरे धीरे कहां लाएंगे? इसके बीच में लाएंगे। तो वस्तु इस बार कहां आ गई? वस्तु इस बार इसके बीच में, मुख्य फोकस और ध्रुव जो बीच में है इसके बीच में आ गई है। वस्तु यहां पर आ गई, वस्तु मुख्य फोकस यप और ध्रुव पी के बीच में है। तो इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा इसको आपको देखना है। यहां पर देखिए एक प्रकाश किरण जो है ऐसे जाएगी और एक प्रकाश किरण जो है ऐसे जाएगी। इसको ध्यान से देखिएगा, ये वस्तु हमारी है ए बी मान लेते हैं। वस्तु क्या दी गई है? ए बी। अच्छा बताइए, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर वाली नहीं, ध्यान से देखना, ये नीचे वाली जो प्रकाश किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। ये टकराने के बाद कहां से जाएगी? जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाती है वो हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये क्या है? मुख्य फोकस से होकर लौट आएगी। यहां पर जो दूसरी प्रकाश किरण दी गई है वो कहां से होकर जाएगी उसको देखिए। ये प्रकाश किरण केंद्र से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी? केंद्र से होकर जाएगी। ये ऐसे जाएगी। यदि इनको डॉट डॉट कर आगे बढ़ाया जाए यदि इनको डॉट डॉट कर आगे बढ़ाया जाए तो प्रकाश किरणें कहां पर मिलेंगी? दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होंगी। क्या होगी? मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है भैया आप लोग ध्यान से देखिए, ये प्रतिबिंब देखिए, ये दोनों प्रकाश किरणें लाइट में कभी भी नहीं मिलेंगी। ये आगे सीधा जा रही क्या कभी मिल सकती है प्रकाश किरणें? ये प्रकाश किरणें कभी भी नहीं मिलेंगी। तो इनका प्रतिबिंब, जब प्रकाश किरणें मिलेंगी नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम दर्पण के पीछे खड़े होकर देखें तो लगेगा कि प्रकाश किरणें कहां से होकर जा रही हैं? इस बिंदु से। लगेगा प्रकाश किरणें इस बिंदु से धीरे धीरे अलग होती हुई जा रही हैं।
क्या एक्चुअली में प्रकाश किरणें यहीं से निकल रही हैं? नहीं, प्रकाश किरणें तो वस्तु से निकल रही हैं। प्रकाश किरणें यहां से केवल आभास कर रहे हैं कि निकल रही होंगी। तो यहां पर आभासी क्या बनेगा? प्रतिबिंब। यहां पर कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। आप देखिए यहां पर ये आपको समझ में आ गया सेकेंड वाला पॉइंट। अब अगला पॉइंट देखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसको ध्यान से देखिए। तीसरी कंडीशन है उत्तल दर्पण। चलो उत्तल दर्पण बनाते हैं। यह बच्चों उत्तल दर्पण है, क्यों? क्योंकि इस बार जस्ट उल्टा कर दिया गया है। उत्तल दर्पण का दबा हुआ भाग इसका पेंट है और जो ऊंचा वाला भाग है, उभरा हुआ भाग है, वो क्या है? चमकीला है। जब उभरा हुआ भाग, ऊपर वाला भाग चमकीला होता है तो उसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। अब इस पर क्या है? मुख्य अक्ष किसने हैं और यहाँ पर ये पी पॉइंट है। मान लेते हैं यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है एबी। यहाँ पर वस्तु है एबी। दर्पण का केंद्र, देखिए दर्पण इस तरफ झुका हुआ है, केंद्र इसका भैया यहाँ पर होगा। अब मुख्य फोकस इसके बीच में होगा। अभी इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए यहां से प्रकाश किरणें ऐसे जा रही है। जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, वो हमेशा टकराने के बाद किससे होकर गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। देखिए यहां पर इसके बीच में मान लेते हैं मुख्य फोकस। देखिए ध्रुव और केंद्र के बीचों बीच में हम क्या मानते हैं? मुख्य फोकस एफ मानते हैं। अब देखिए यहां से एक प्रकाश किरण ऐसे आपतित होगी, ये इसको ध्यान से देखना। ये प्रकाश किरण किसके समांतर जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। टकराने के बाद मुख्य फोकस से जाएगी, लेकिन क्या ये किरणें दर्पण के दूसरी ओर जाएंगी? दूसरी ओर पेंट किया गया है, इसलिए ये दर्पण को पार नहीं कर पाएंगी। दर्पण ऊपर की ओर झुका हुआ है, ये सीधा उसी माध्यम में लौट जाएंगी। और ये प्रकाश किरण क्या है? उसी माध्यम में उसी रास्ते से क्या है? लौट जाएगी। आप देखिए ये जो प्रकाश किरण वापस हो गई, ये एक दूसरे से कभी मिलेंगी? ये दोनों प्रकाश किरणें आपस में कहीं आगे मिलेंगी जाकर? नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ऐसे जा रहे हैं, ये कभी भी नहीं मिलेगी। तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, वास्तव में प्रतिबिंब तो नहीं बनेगा। लेकिन इन किरणों को अगर आगे बढ़ाया जाए, इन किरणों को अगर आगे बढ़ाया जाए तो क्या होगा? लगेगा ये प्रकाश किरणें कहां से होकर जा रही हैं? लगेगा यह प्रकाश किरणें यहां से होकर जा रही है। ये इसको मिला दिया, यहां पर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन जो प्रकाश किरणें जा रही हैं, वो आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। देखिए क्योंकि चमकीला भाग इस ओर है, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट आएगी और यहां पर क्या बन जाएगा? आभासी प्रतिबिंब। रियलिटी में प्रकाश किरणें तो कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन केवल यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो लगेगा कि प्रकाश किरणें यहाँ से निकल रही हैं। बस केवल आभास करेंगे, इसीलिए यहाँ पर क्या है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा क्या है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं एग्जाम में लगातार क्या है पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इसको देखना। आप देखिए दर्पणों के उपयोग दिए गए हैं। इन दर्पणों के उपयोग को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए और नोट्स कर लीजिएगा। इसको समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? जो हम लोग चेहरा देखते हैं डेली लाइफ में,
वो समतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण दाढ़ी जो बनाते हैं नाइन लोग रखते हैं, बार्बर लोग जो रखते हैं वो दाढ़ी बनाने में होता है, आँख कान नाक गले के जो बीमारियां होती हैं उनके उपचार के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसको आप लोगों को लिख लेना है, अच्छे से इसको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। अब आपको बताएंगे चिन्ह परिपाटी का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद आपको चिन्ह परिपाटी का नियम बताते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेना। देखिए यहाँ पर हम एक दर्पण मान लेते हैं, अवतल दर्पण, यहां पर अवतल दर्पण लिया गया, और ये क्या मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव भी है, इसको ध्रुव मानते हैं मध्य बिंदु को, और ये दर्पण हमारा M1 M2 है, ये क्या है मुख्य अक्ष है। आप देखिए ये दर्पण के बाईं ओर का क्षेत्र है और ये दर्पण के दाईं ओर का क्षेत्र है, तो यहां पर लिखेंगे दायां क्षेत्र, यहां लिखेंगे बायां क्षेत्र। यहां पर क्या है बायां क्षेत्र लिखेंगे। आप देखिए ये जो दिया गया है कौन सा क्षेत्र है, दायां क्षेत्र, हाथ से देखिए दायां क्षेत्र और ये बायां क्षेत्र। तो देखिए मुख्य अक्ष दिया गया है, मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊपर का क्षेत्र क्या है, इसको क्या कहेंगे हम, ऊपर का क्षेत्र, ऊपर का क्षेत्र, और इसको क्या कहेंगे नीचे का क्षेत्र। इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजा आएगा, नॉर्मल है सब जो लिखा गया है, आप समझ जाओगे। देखिए दर्पण के बाईं ओर ध्यान दीजिएगा, दर्पण की बाईं ओर अगर चलेंगे तो दूरियां किसमें रहेंगी, ऋणात्मक। दर्पण के बाईं ओर जितनी भी दूरियां ली जाएंगी उनकी दूरियों को हम किसमें लिखेंगे, ऋण में लिखेंगे, और दर्पण के दाईं ओर जो दूरियां ली जाएंगी उसको धन में लिखेंगे। इसीलिए हम बायां और दायां के पास प्लस माइनस लगा दिए हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर, ये मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर चाहे इस क्षेत्र में हो चाहे इस क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में जो दूरियां ऊपर के क्षेत्र में ली जाएंगी वो दूरियां किसमें ली जाएंगी, धन में ली जाएंगी। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां किसमें ली जाएंगी, धन में ली जाएगी। मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां किसमें ली जाएंगी, ऋण में ली जाएगी। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये किसके लिए बताया गया, अवतल दर्पण के लिए। इसी प्रकार उत्तल दर्पण के लिए भी सेम फॉलो करेगा। तो एक आप लोग समझ गए, मान लेते हैं यहां पर इसका केंद्र सी है, यहां पर मुख्य फोकस है, और यहां पर कोई वस्तु रखी है, ध्यान दीजिएगा, और यहां पर मान लेते हैं यहां पर कोई प्रतिबिंब बन रहा है, ये वस्तु हो गई, ज्यादा इसमें गोचेंगे नहीं, केवल आप लोग समझ लीजिए। मान लेते हैं ये प्रतिबिंब बन रहा है I डे, ये क्या है प्रतिबिंब, और AB क्या है वस्तु है, ये वस्तु है और ये क्या बन गया प्रतिबिंब। तो वस्तु की दूरी मतलब यहां से जो दूरी ली जाती है ध्रुव से ली जाती है, जो दूरी ली जाती है ध्रुव से देखिए ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, मतलब ये दूरी हमेशा क्या होती है यू होती है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी यू से ली जाती है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी जो ली जाएगी यहां से यहां तक वो किसमें ली जाएगी बी में, लेकिन सारी दूरियां क्या है माइनस में ली जाएंगी क्योंकि बाई तरफ है। यहां पर देखिए दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी किसमें ली जाती है एफ में, लेकिन बाई तरफ है तो
माइनस में ली जाएगी, ये आपको ध्यान देना है। एक बात और इसमें ध्यान दीजिए, प्रकाश किरण हमेशा दर्पण के बाई ओर से ही, वस्तु हमेशा कहां रहेगी, दर्पण के बाई ओर रहेगी। वस्तु जो चमकीली वस्तु है जिससे प्रकाश निकलेगा वो किस ओर रहेगी, दर्पण के बाई ओर। तो प्रकाश किरण कहां से चलेगा, जब वस्तु बाई ओर है प्रकाश किरण भी बाई ओर से ही चलेगा, ठीक है। तो दर्पण देखिए, दर्पण के बाई ओर से ही प्रकाश किरणें आपतित होंगी और दर्पण के दाई ओर क्या है, परिवर्तित हो सकती है, हमेशा होंगी नहीं, ठीक है। देखिए यहां पर यह आपको समझ में आ गया होगा, तो ये आप लोगों को पढ़ लेना है, अच्छे से नोट कर लेना है। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, उनकी सहायता कीजिए जिससे वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।